अब भी फाइट के लिए बेस्ट कीबोर्ड होने वाला है। और मैं बता दूँ, इस कीबोर्ड में बहुत सारा फीचर दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे फ़ॉन्ट सारा बहुत सारा दिया गया है, यहाँ पे मैथ वाला भी दिया गया है, मैथ भी आप इस कीबोर्ड से यूज कर सकते हैं। ये कीबोर्ड अब भी फाइटरों के लिए बेस्ट कीबोर्ड है। इस कीबोर्ड से क्लिप भी बना के मार सकते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। और मैं इस कीबोर्ड की सेटिंग आगे बता के रखा हूँ, और ये कहाँ से डाउनलोड करना है ये वीडियो को लास्ट में मैं बताऊंगा। आप वहाँ से इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो मिस नहीं करना है, आपको पूरा वॉच करना है, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी और सेटिंग भी इसकी पता चलेगी। देख सकते हैं इस कीबोर्ड से कितनी मस्त टाइपिंग हो रही है। इस कीबोर्ड के बारे में, जिस कीबोर्ड की मैं सेटिंग बताने वाला हूँ आपको ना, इस कीबोर्ड को आप यूज करोगे ना तो बताओगे भाई कितना मस्त चलता है, कितना ऑसम कीबोर्ड है। और इसमें ना मैथ भी कीबोर्ड है, आई मीन मैथ वाला फ़ॉन्ट भी है, और सिंपल वाला भी फ़ॉन्ट है, और जंगली भी फ़ॉन्ट है, यहाँ पे बहुत सारा फ़ॉन्ट है। मैं आपको पहले भी बता देता हूँ, आप यहाँ पे जाएंगे ना, आई मीन इसको ओपन करेंगे, जैसे मैं ओपन कर रहा हूँ, ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, पहले स्टेप टू सेट की टू डिफ़ॉल्ट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कीबोर्ड सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ गया था, यहाँ पे जो कीबोर्ड है आपका वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्लोज का ऑप्शन दिख रहा है, आप क्लोज कर लेंगे। क्लोज के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे जैसे कि थीम वाला, थीम एंड बैकग्राउंड पे क्लिक करते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक आप सबके सामने कस्टम की बैकग्राउंड का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे अपना खुद का भी फ़ोटो लगा सकते हो, जैसे कि मैं लगा लेता हूँ एक फ़ोटो, जैसे कि कौन सा लगा लूँ, ये वाला लगा लेता हूँ। यहाँ पे हल्का से ऐसे करके यहाँ पे सेट कर दिया, और नीचे वाले में भी सेम वैसे ही आपको करना है जैसे ऊपर वाले में भी किया आपने। तो यहाँ पे फटाफट मैं कर लेता हूँ, यहाँ पे ये वाला हल्का से बड़ा करके यहाँ पे सेव पे क्लिक कर लेता हूँ। सेव पे क्लिक करने के बाद आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ अपने मैसेंजर में, मैं आ गया हूँ अपने मैसेंजर में। आप देख सकते हो कितना मस्त कीबोर्ड लग रहा है। यहाँ पे जैसे कि कोई वर्ड यहाँ पे टाइप करोगे, यहाँ पे तेरी टाइप कर दिए ना, यहाँ पे साइड में ब्लैक ब्लैक आ गया, आई मीन येलो दिख रहा है ना। इसको यहाँ पे हल्का से देखोगे ना, यहाँ पे एक थ्री डॉट होगा, थ्री डॉट पे जैसे मैं क्लिक कराऊँ ना, यहाँ पे कलर एंड फॉन्ट का ऑप्शन दिख रहा है। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, कलर फॉन्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक यूज देख सकते हैं ना, यूज कस्टम फॉन्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट जो आप चूज करना चाहते हो चूज कर सकते हैं। यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ भी आप यहाँ पे दी गई है, यहाँ पे आप फ़ॉन्ट साइज़ भी आप रेटेड वाला करेंगे तो यहाँ पे भी हो जाएगा रोटेट वाला यहाँ पे, और यहाँ पे कस्टम फॉन्ट ये वाला दिख रहा है, आपको इसको क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ना, यूज कस्टम कलर्स, इस पर क्लिक करेंगे जो यहाँ पे सब के जो जो यहाँ पे कलर्स दिख रहा है ना सब इनेबल हो जाएगा। इनेबल होने के बाद यहाँ पे देख सकते हो की टेक्स कलर, मतलब इसको ब्लैक रहने देना है आपको, सिंपल इसको ब्लैक करना है। यहाँ पर मैं ब्लैक कर दिया, यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे जैसे कि कोई टाइप करोगे ना यहाँ पे ये वाला तो ब्लैक हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो ना ये जितना दिख रहा है ना यहाँ पे सब ब्लैक हो गया है। ब्लैक होने के बाद आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे ये वाला टेक्स्ट, यहाँ पे इसको भी ब्लैक ही करना है आपको। ब्लैक करने के बाद आपको यहाँ पे भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा चेंजिंग हुई है, यहाँ पे ये वाला देख सकते हो, यहाँ पे जैसे कि टाइटल बार आप जानते हैं, टाइटल बार तो आप जानते नहीं होंगे, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ टाइटल बार। तो यहाँ पे देखा मैंने ये वाला, जैसे तेरी माँ ऐसा लिखा ना, यहाँ पे ए वाला देख सकते हो ना टाइटल बार है, इसको टाइटल बार बोलते हैं। यहाँ पे देख सकते हो तेरी माँ के यहाँ पे मतलब जैसे कि ये आ चुका है, एंड यहाँ पे जैसे कोई भी वर्ड आप सेव करोगे ना ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। और यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे आया और यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके वाइट दिख रहा है ना, वाइट हटा के यहाँ पे ये वाला रेड वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे। जैसे मैं रेड वाला ऑप्शन क्लिक करता हूँ आप सबको दिखाता हूँ, तो यहाँ पे बहुत सारा चेंजिंग हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हो ना, क्योंकि ए वाला साइड जो ना थोड़ा चेंज हो गया है। यहाँ पे जो देख सकते हो ये नंबर वाला दिखता है ना, जैसे क्यू में एक लिखा है, डब्ल्यू में दो लिखा है, यहाँ पे ना ये सब चेंज हो गया है, देख सकते हो ना आप, यहाँ पे भी चेंज हो सकता है। जैसे जैसे आप करोगे यहाँ पे बहुत सारा वो दिया गया है, आप चेंज कर सकते हो। और मैं आपको बता दूँ तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज जो मैंने बताया आपको ये भी कर सकते हो, यहाँ पे हल्का सा बैक आना है। बैक आने के बाद आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ, यहाँ पे सिंपली आप जनरल वाले पे क्लिक करेंगे, ये जो जनरल का दिख रहा है ना इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑटो कैपिटल रखना है, तो ये वाला ऑटो कैपिटल ही रहेगा, आप इसको मतलब सिलेक्ट है ना, इसको सिलेक्ट रहने देना, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे वॉल्यूम करना है तो वॉल्यूम कर सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम करेंगे तो हैंग मारेगा फ़ोन, आपको वॉल्यूम नहीं करना है, आपको ये सब टच नहीं करना है। तो यहाँ पे आप सब देख सकते हो ना, यहाँ पे इनेबल ए वाला दिख रहा है ना आपको, एलाइन वाला, एलाइन
इस वाले टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे ओके का ऑप्शन आ रहा है, ओके मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे आप सबके सामने एक अलाइन टेक्स्ट स्टाइल का ऑप्शन आ रहा है ना, इस वाले मैं ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आप सबके सामने आ गए, यहाँ पे जितना फॉन्ट दिख रहा है ना आप सब इसको फ्री में यूज कर सकते हो। और मैं बता दूँ आप सबको यहाँ पे ये जो सेकंड वाला मतलब यहाँ पे फॉन्ट है चूज हुआ है ना, ये मैथ वाला फॉन्ट है, सबसे फर्स्ट वाला नॉर्मल वाला है, सेकंड वाला दूसरा वाला ना ये क्या बोलते हैं इसको, वो है मैथ वाला कीबोर्ड है। इसको मैं मैथ में आपको करके दिखा देता हूँ, जैसे कि आपको मैं लाइव दिखा रहा हूँ आप सबके सामने ऐसे ही दिखा रहा हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखा तेरी स्पेस दिए तो यहाँ पे ए वाला देख सकते हैं, यहाँ पे माँ लिखा यहाँ पे देख सकते हैं, यम डबल फोर की लिखा यहाँ पे हल्का से ए वाला आ चुका है, यहाँ पे लिख रहा हूँ भाग मत, आप देख सकते हो ना भाग मत लिखा, यहाँ पे देख सकते हो एट एच फोर चार पाँच मतलब जैसे कि सिक्स आ गया, यहाँ पे मीएम फोर ट्रिपल सेवन ऐसे आ गया ना, देख सकते हो यहाँ पे आप सबके सामने ही दिखा रहा हूँ मैं। यहाँ पे इस कीबोर्ड से भी मैथ कीबोर्ड आप बना सकते हैं, इसको ऑलरेडी मतलब यहाँ पे फॉन्ट दिया गया है, आप इसको यूज कर सकते हो और बहुत छक्का से लगेगा आप सबके सामने। मैं इसलिए लाइव दिखा रहा हूँ क्योंकि जो मैं करता हूँ वो दिखाता हूँ आपको। और इस कीबोर्ड का लिंक मैं आप सबको डिस्क्रिप्शन में नहीं दूंगा, आप मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, मैं आपको वहाँ पे भी दे दूँगा, टेंशन ना लो। डिस्क्रिप्शन ही नहीं, आपको कमेंट बॉक्स में तो ज़रूर दे दूँगा इसका लिंक, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में नहीं दूँगा आपको, कमेंट बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से इसको ईजिली डाउनलोड कर सकते हो। और हाँ, हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो जो न्यू है, क्योंकि मैं यहाँ पे जेन्युइन और रियल कंटेंट डालता हूँ। क्योंकि कीबोर्ड की बहुत सारी वीडियो यहाँ पे पड़ी है और बहुत से कीबोर्ड को मैं रिव्यू दे चुका हूँ, बता चुका हूँ, तो आप उसको भी जाके देख सकते हो। मैं चलता हूँ अपने सिंपली यहाँ पे शो वाले पे, इस वाले सजेस्ट वाले पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आपको ऑलवेज शो है ना, इसको ऐसे ही करना है, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली हल्का से नीचे करना है। यहाँ पे एडवांस सेटिंग में आपको चले जाना है, एडवांस सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे ए वाला पॉपअप वाला ऑन कीबोर्ड दिख रहा है, इसको बंद कर देंगे। बंद करने के बाद यहाँ पे आप सबके सामने ए वाला होल्ड वर्ड दिख रहा है, होल्ड वर्ड वर्ड वही, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, सिंपली ऐसा कर देना है। यहाँ पे एक मतलब जैसे कुछ अपना नाम लिख दे यार, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे सिंपली आपको कुछ नहीं करना। फिर से आपको एक बार बता दूँ, यहाँ पे ए साउंड एंड वाइब्रेशन दिख रहा है, साउंड वाइब्रेशन में यहाँ पे साउंड वाला इसको बंद कर देंगे, इसको भी वाइब्रेशन वाला बंद कर देंगे, नहीं तो मेरा फ़ोन लैग मारेगा। यहाँ पे ए वाला देख सकते हो, जैसे कि मतलब कीबोर्ड पे उंगली ऐसे चलाते रहो, ऐसे ऐसे चलाते रहो, ऑटोमेटिक नाम लिखता जाए, उसके यहाँ से इनेबल कर सकते हो, क्योंकि यार हम सब तो एक एक वर्ड पे टाइप करके करेंगे, तो यहाँ पे समझते उसको भी बंद कर देना है आपको, और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे एडवांस सेटिंग में जाना है, एडवांस सेटिंग में ए वाला सो की एक सेटिंग ए वाला आपको बंद कर देना है। यहाँ पे फुल स्क्रीन वाला आपको यहाँ पे ऑलवेज स्क्रीन कर देना है, और आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली जैसा मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे ही आपको करना है, नहीं तो आपको सेटिंग समझ में नहीं आएगी, और वीडियो को फुल वॉच करेंगे तभी आपको वीडियो समझ में आएगी। मैं बता देता हूँ पहले ही, नहीं तो आप वीडियो को देख के कीबोर्ड लेके चले जाओगे तो आपको सेटिंग समझ में नहीं आएगी। तो यहाँ पे कीबोर्ड लेआउट वाले की पे ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो फिर से मैं उसी ऑप्शन पे क्लिक किया हूँ। यहाँ पे सो टू टॉप नंबर, यहाँ पे नॉर्मल जैसे कि ऊपर ना, जैसे कभी कभी होता है ना इमोजी शो होता है, इमोजी शो होने के बाद यहाँ पे आप देख सो नंबर शो होता है, यहाँ पे आपको ए वाला बोथ वाला सिलेक्ट कर लेना है। बोथ वाला सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे और को कुछ करने के ना सुपर ये बोथ रो, यहाँ पे फिर से ये बोथ वाला शो करना है, और कुछ नहीं करना, सिंपली फिर से मैं चले आता हूँ अपने यहाँ पे। यहाँ पे आने के बाद आपको दिखा देता हूँ ये वाला, देख सकते हो कितना मस्त दिख रहा है। यहाँ पे जैसे कि ये वाला टाइपिंग करोगे ना, वो बंदा समझ ही नहीं पाएगा, मतलब समझ सकते हो ना, यहाँ पे देख सकते हो ऐसे टाइप किया ऐसे आ गया। और मैं बता दूँ इसको भी बंद कर सकते हो आप, जैसे कि वहाँ पे मैंने बताया था बोथ वाला यहाँ पे हटा देते हैं, नंबर शो वाला यहाँ पे नेवर वाला भी हटा देते हैं, देख तो मेरा फिर से वही कीबोर्ड यार बन जाएगा। और यहाँ पे थीम दी हुई गई है, यहाँ पे ऑलरेडी थीम दी है, उस थीम को मैं सिलेक्ट करके दिखाते थे। यहाँ पे ऑलरेडी थीम कहाँ की दी है, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी थीम दी गई है, पहले से ऑलरेडी दी हुई है, यहाँ पे यहीं पे कहीं होगी, आप ढूंढ सकते हो, यहीं पे दिख नहीं रही अभी मुझे तो। यहाँ पे कलर्स थीम बैकग्राउंड इसी में तो होगी यार, एक सेकंड, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारी थीम दी हुई है, यहाँ पे अप्लाई भी कर सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे फटाक से इस पर क्लिक करेंगे ओके कर देंगे। यहाँ पे बहुत सारी थीम दी हुई है, यहाँ पे प्रीव्यू करके मैं दिखा देता हूँ आपको, थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, समझ सकते हो आप, यहाँ पे इसको यूज करोगे ना उसके बाद बताना एक कीबोर्ड आपको कैसा लगता है। और मैं आपको बता दूँ, हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू है
इंडियन टेक्निकल 0.8 ऐप को सब्सक्राइब कर ले लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए, क्योंकि यहाँ पे मैं कीबोर्ड से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो डाल के भी रखा हूँ और आगे आगे मैं डालते ही रहूँगा, तो समझ सकते हो। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय जय।